मॉर्निंग बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका फर्स्ट चैप्टर, सॉरी सेकंड चैप्टर फर्स्ट एक्ट का, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो खुद उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। जो उन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक खुद की उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, जो खुद प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई थी, जो 1994 में लिटिल ब्राउन एंड कंपनी के द्वारा रखी गई थी, पब्लिश की गई थी, जिसका लास्ट चैप्टर जो उस बुक का है उसमें उन्होंने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशंस के बारे में बताया हुआ है कि वो क्या बिलीव करते थे, कैसे स्ट्रगल्स कंटिन्यूड हुए, कैसे एपार्थाइड जो साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन था पॉलिटिकल सिस्टम का, उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कैसे वो लोग लड़े और कैसे वो आगे बढ़े, इन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में उन्होंने बताया है। तो बिफ़ोर यू रीड के बारे में अगर आप ध्यान दें, तो बिफ़ोर यू रीड के बारे में क्या बता रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए बिफ़ोर यू रीड की बात करें तो बिफ़ोर यू रीड में ध्यान दीजिएगा तो क्या बता रहा है, देखिए कह रहा है एपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम। कि एपार्थाइड क्या है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो क्या बताता है, जो बताता है दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। क्या करता है, उपने उन्हीं के मतलब कि पॉलिटिकल सिस्टम को, क्योंकि लोगों को क्या कर देता है, उनके रेस उनकी जाति के अनुसार अलग कर देता है। कैन यू से विच ऑफ थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। मतलब कि क्या आप बता सकते हो कि ये जो तीन कंट्रीज़ की बात कर रहा है, तीन कंट्रीज मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन तीन कंट्रीज में से वे कौन सी कंट्री थी जिनमें अभी हाल में ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम देखे गए हैं। तो मोस्टली आप यही, आप साउथ अफ्रीका की ही बात करोगे, साउथ अफ्रीका के बारे में बताया भी गया है। तो उसके में बात कर रहा है, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है, क्या आपने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में सुना है। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपार्थाइड, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया लड़ते हुए किसके खिलाफ, एपार्थाइड। एपार्थाइड मीन्स आप कह सकते हो ये जो रंग भेद, मतलब जो कलर डिस्क्रिमिनेशन था उसके खिलाफ। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। मंडेला को क्या करना पड़ा था, लगभग 30 साल अपने जेल में बिताने पड़े। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 और अंततः क्या हुआ, 1994 में जब साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, इलेक्शन हुआ एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। तब मंडेला क्या बन गए, पहले काले प्रेसिडेंट उस नए राष्ट्र के। इन दिस स्टैट, इस स्टैट की अगर बात करें, ये जो चैप्टर हमें दिया गया है इसमें क्या बताया गया है, इनकी मतलब कि जो इनकी खुद की बायोग्राफी है, खुद की जो आत्मकथा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, मंडेला एक ऐतिहासिक मौके के बारे में बता रहे हैं, इन इनॉग्रेशन मतलब कह रहे हैं कि वहाँ पर जो इनॉग्रेशन हो रहा है उस इनॉग्रेशन में की बात की है उन्होंने। कैन यू गेस वॉट द ओकेजन माइट बी, मतलब क्या आप अनुमान लगा सकते हो, वो जो राइटर है वो बोल रहा है, राइटर क्या मतलब कि जिन्होंने ये किताब छापी है उसमें उन्होंने लिखा है, बिफोर यू रीड में लिखा है, या आप अनुमान लगा सकते हो कि वो इनॉग्रेशन किस चीज़ का है। चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम, और आपको जो ये नीचे न्यूज़ आइटम ये दिया हुआ है, ये न्यूज़ आइटम मतलब ये जो न्यूज़ आइटम मीन्स दैट कह सकते हो कि पार्ट ऑफ द न्यूज़ पेपर विच वॉज पब्लिश इन दिस चैप्टर, इस बता रहा है कि उसमें से आप चेक कर लीजिए कि क्या हुआ था 10 मई 1994 को क्या आया पेपर में। तो उसमें क्या बताया हुआ है, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। उस किताब में क्या छपा था, उस पेपर में क्या छपा था कि मंडेला क्या बन गए, पहले साउथ अफ्रीका के काले राष्ट्रपति बन गए। आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल, लगभग 3 सेंचुरी मतलब 300 साल तक सफ़ेद कलर के लोगों के शासन के बाद, मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स, मतलब 400 सीटों में से उन्हें 252 सीट्स मिले इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, पहले आज़ादी डेमोक्रेटिक मतलब कह सकते हो स्वतंत्र इलेक्शन में, जहाँ पे सबको ईच हैव एन इक्वलिटी टू वोट इन साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में। इन इनॉग्रेशन सेरेमनी, उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में मतलब कि ये जो समारोह जो वहाँ पे हो रहा था, उस समारोह में कहाँ हो रहा था, इन द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग में, और यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर जो वर्ड लिखा हुआ है, ये एम्पी थिएटर का मीन्स दैट होता है ऐसा स्थान जो चारों ओर से घिरा हुआ हो, सॉरी चारों ओर से ना घिरा हो, सिर्फ ऊपर से घिरा हो और चारों तरफ से खुला हुआ हो, ऐसी चीज़ जिसमें रूफ हो लेकिन वॉल्स ना हो, इन प्रिटोरिया टूडे।
अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्राम मोर देन 140 सेंचुरी कंट्रीज, जिसमें ढेर सारे पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े डिग्नेटरीज, मतलब कह सकते हो कि बड़े बड़े नेता राजनेता भी आए हुए थे, और कितने देशों के, लगभग 140 देशों के आए हुए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस, कह रहे हैं नेल्सन मंडेला, बोलते हैं अपने एड्रेस में, मतलब कि जब वो संबोधित करते हैं तो बोलते हैं कि कभी नहीं अगेन फिर विल दिस ब्यूटिफुल लैंड, ये जो खूबसूरत ज़मीन है, एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, मतलब कि वे अनुभव करेगी किस चीज़ का, ऐसा ऑपरेशन मतलब कि ऐसा जो यहाँ पे जो आज कार्य होने जा रहा है या जो घटित होने जा रही है घटना, उस चीज़ का अनुभव फिर कभी करेगी या नहीं देखा है, वो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टूगेदर्स, मतलब वो सीन में क्या है, ढेर सारे प्रिटोरिया में ढेर सारे काले सफ़ेद और विभिन्न विभिन्न कलर के लोग आए हुए हैं। ठीक है, मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेंस ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय, और लगभग 1 लाख साउथ अफ्रीका के लोग, कह रहा है 1 लाख साउथ अफ्रीका के लोग, आदमी और औरतें और बच्चे सब, हर रेस के मतलब हर जाति के आए हुए थे, सैंग गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे विद जॉय, आनंद के साथ। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, 10th May डाउन ब्राइट एंड क्लियर, जो 10 मई का दिन है वो क्या है, ब्राइट और क्लियर है मतलब कि स्वच्छ है और चमकीला है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, डाउन मतलब क्या होता है, भोर के समय की बात कर रहे हैं। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बीसाइडेड बाई द डिग्निटीज, मैं मतलब कि क्या हूँ, घिरा हुआ हूँ चारों तरफ से, किससे, बड़े बड़े महान हस्तियों से और वर्ल्ड लीडर और संसार के बड़े बड़े नेताओं से, हु आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो आए हुए हैं क्या देने के लिए, अपना सम्मान देने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन से के पहले, द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, ये जो इनॉग्रेशन होगा वो क्या होगा, वो लार्जेस्ट गैदरिंग होगा, मतलब कि सबसे बड़ी इकट्ठा होने की जगह होगी, एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर, यहाँ पे क्या है, ढेर सारे अंतर्राष्ट्रीय नेता भी आए हुए हैं ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, साउथ अफ्रीका की भूमि पर। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पीथिएटर, ये जो सेरेमनी है वो कहाँ होगी, वो टुक प्लेस होगी ऑन इन द लवली सैंडस्टोन एम्पीथिएटर। सैंडस्टोन एम्पीथिएटर मींस दैट सैंडस्टोन, मतलब कह सकते हो कि ऐसे ही पत्थर जो जिनसे मंदिर बनते हैं, आपने देखा होगा उसी प्रकार से, जैसे कि राज्यसभा, लोकसभा या लाल किला ले लो, ऐसे जो होते हैं पत्थर, उनसे बना हुआ एक एम्पीथिएटर ऐसी बिल्डिंग है, जिसमें छत तो नहीं है लेकिन उसमें ढेर सारी रोज लगी हुई है लोगों के बैठने के लिए। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग, जो बनी हुई है कहाँ पे, यूनियन बिल्डिंग में इन प्रिटोरिया। फॉर डिकेड्स, आगे कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि कई दसों साल तक, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, ये जो जगह रही है कौन सी, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये क्या रही है, इस पर सुपरमेसी रही है, मतलब सफ़ेद लोगों की एक अधिकार रहा है। एंड नाउ इट वॉज द मोनोपली, आप कह सकते हो, एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो, और अब यहाँ पे क्या लग रहा है कि जैसे रेनबो आ गया हो ऑफ डिफरेंट कलर, विभिन्न विभिन्न कलर के लोग और विभिन्न विभिन्न नेशंस, राष्ट्र के लोग, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं, साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक स्वतंत्र और नॉन रेशियल गवर्नमेंट, मतलब कि बिना जाति भेदभाव वाली सरकार के शपथ लेने वाले समारोह में आए हुए हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस ऑटम डे की बात कर रहा है, ऑटम डे का मतलब कह सकते हो बसंत मतलब पतझड़ के मौसम की बात कर रहा है, कि उस समय की बात है जब पतझड़ का मौसम है। आई वॉज एकम्पीन्ड बाई माई डॉटर जैनी, मतलब कि मेरे साथ कौन है, मेरी बेटी जैनी भी है। ऑन द पोडियम, और पोडियम की बात कर रहा है, पोडियम मीन्स दैट आप कह सकते हो जैसे कि स्टेजों पे आपने देखा होगा लोग खड़े होते हैं, जिसपे से बोलते हैं वो उसको पोडियम कहते हैं, जिस पे माइक रखा होता है उसे पोडियम कहते हैं, वहाँ से कह रहे हैं पोडियम से पे क्या हुआ, मिस्टर डी क्लर्क हैं, ठीक है, ने क्या किया, वॉज फर्स्ट शॉन, उन्होंने सबसे पहले शपथ ली इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, कैसे लिया, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में, दो उपराष्ट्रपति बने, तो जो सेकेंड
उपराष्ट्रपति थे कौन? मिस्टर डी क्लर्क। उन्होंने शपथ ली, क्या ली? शपथ ली। आगे कह रहा है देन थाबो मबेकी की वो स्वॉन इन एज द फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट। और फिर क्या हुआ, जो पहले उपराष्ट्रपति के रूप में टाबो मबेकी, जो टाबो मबेकी थे उन्होंने क्या किया, पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। और फिर कह रहा है व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लस टू ऑबे, नेल्सन मंडेला लिख रहे हैं, जब मेरी बारी आई तो मैंने भी ऑबे प्लेज लिया, शपथ ली कि मैं पालन करूंगा एंड अपहोल्ड, और क्या करूंगा, अडिग रहूंगा द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पे के प्रति, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और मैं क्या करूंगा, अपना सर्व कह सकते हो कि पूरा स्वयं अर्पित कर दूंगा किसके प्रति, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, एक अच्छा व्यक्ति होने का, स्वतंत्र व्यक्ति या स्वतंत्र राष्ट्र के प्रति कार्य करूंगा बिना किसी भेदभाव के, एंड इट्स पीपल, और लोगों के लिए करूंगा। टू द असेंबली गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ड आई सेट, मतलब कि जो वहाँ पे ढेर सारे गेस्ट मेहमान आए हुए थे और जो वॉचिंग वर्ड और जो पूरा संसार मुझे देख रहा था उनके लिए मैंने क्या कहा, उनने ये स्टेटमेंट बोला है, उस स्टेटमेंट की बात कर रहा है, क्या बोला, टुडे ऑल ऑफ अस टू बाई आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं, किस लिए उपस्थित हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू लिबर्टी, किस लिए उपस्थित हैं, यहाँ पे आनंद उठाने के लिए, किसका, जो उम्मीद के साथ आए हुए हैं, क्योंकि न्यू बॉर्न लिबर्टी जो अब नई जन्म ले रही है, क्या लिबर्टी, लिबर्टी मतलब कहते हैं आज़ादी या स्वच्छंदता, उन चीज़ों की बात कर रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, कह रहे हैं किन चीज़ों से उत्पन्न हो रही है, जो अनुभव हम लोगों ने किया, किस चीज़ का अनुभव किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मीन्स दैट वो डिजास्टर इंसानों के द्वारा जो आपदा की गई, कौन सी डिजास्टर आपदा की गई, जो आपको शुरुआत में बताया गया एपैथी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब वहाँ पर क्या किया जा रहा था, सफ़ेद लोगों के द्वारा काले लोगों के प्रति विरोध दिखाया जाना या उनको कोई भी अधिकार न देना, इन चीज़ों का जो जो आपदा होती थी, ये जो घटनाएं होती थी, उन्हें उन्होंने किससे डिपेंड किया है, शो ऑफ किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर से, दैट लास्ट टू लॉन्ग, जो लंबे समय से चली आई है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, निश्चित ही क्या करेगी, उसमें से एक ऐसा समाज का जन्म होना आवश्यक है जिससे क्या होगा, ऑल ह्यूमैनिटी, जो पूरी मानवता है, विल बी प्राउड, उसे क्या हो, गर्व हो। ठीक है, वी हु वर आउट लॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, मतलब कह रहे हैं हम जो क्या थे, नॉट सो लॉन्ग, लंबे ज़्यादा समय नहीं बीता, और हम लोग क्या थे, आउट लॉज, कानून से परे थे, मतलब कि हमारे ऊपर कानून नहीं था, हम लोगों को कानून में ही नहीं रखा गया था, हम लोग कानून से अलग थे। हैव टूडे बीन गिवन द रेयर प्रिवलेज टू बी होस्ट ऑफ द ने टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, और आज हमें क्या किया गया है, रेयर प्रिवलेज दी गई है, मतलब कि एक अलग ही प्रकार की कह सकते हो वरीयता दी गई है, टू बी होस्ट, कि हम क्या करें, संबोधित करें राष्ट्र को ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के, ऑन आवर ओन सॉयल, अपनी खुद की मिट्टी पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, कह रहे हैं हम धन्यवाद देते हैं विभिन्न प्रकार के या विशिष्ट जो अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए हुए हैं उनको, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन, कि वो यहाँ आए और स्थान ग्रहण किया विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ, ऑफ वॉट इज़, कि वो क्या है, आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, अंततः ये क्या है, ये एक सामान्य जीत है न्याय की, शांति की, पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवता की, और मानवता की, मानव के शान की। वी हैव एट लॉस अचीव्ड ऑल आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, कह रहे हैं वी हैव ऑल, अंततः हम सब ने अचीव्ड, प्राप्त कर लिया है, क्या प्राप्त कर लिया है, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन मतलब कि जो फ्रीडम रिस्ट्रिक्शंस जो थे, जो रिस्ट्रिक्शंस बने हुए थे, बाधाएं बनी हुई थी, उनसे आज़ादी पा ली है। वी प्लेज, हम प्रतिज्ञा करते हैं आवर सेल्फ, स्वयं से, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, कि हम क्या करेंगे, अपने सभी लोगों को शिक्षित करेंगे फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, ये जो निरंतर से चली आई गरीबी है उससे दूर करेंगे। ठीक है, डिप्रिवेशन दुख से हटाएंगे बाहर, सफरिंग जो पीड़ित हैं उनको भी दूर करेंगे, जेंडर जो लिंग भेदभाव है, मतलब कि जो
मेल फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन है उसे भी दूर कर देंगे, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और कोई भी अगर अन्य भेदभाव होगा तो उससे भी हम उन्हें मुक्त करेंगे, ऐसी क्या कह रहे हैं नेल्सन मंडेला, प्लेज कर रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन बाई वन बाई अनदर, कह रहे हैं कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं, आज के बाद कभी नहीं ये जो इस खूबसूरत जो ब्यूटीफुल लैंड है, ये जो खूबसूरत ज़मीन है, पृथ्वी है, धरती है, विल अगेन एक्सपीरियंस, वो फिर कभी अनुभव करेगी द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, किसी एक के द्वारा दूसरे के ऊपर ऑपरेशन करना, मतलब कि उसे पीड़ित करना या शोषण करना जैसा अनुभव कभी नहीं करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, और ये जो सूरज है, ये जो सूर्य है, वो फिर अब कभी अस्त भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मानव की उपलब्धि है उस उपलब्धियों से अब कभी सूर्य अस्त नहीं होगा, मतलब कि अब कभी भी कह सकते हो कि जो ह्यूमैनिटी डिजास्टर जो वहाँ पे उन्होंने बताया है आपको, यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है उन्होंने, कह रहे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर जैसी चीज़ अब कभी भी देखी नहीं जाएगी। लेस फ्रीडम रेन, चलो स्वतंत्रता का साम्राज्य बनाएं, गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान क्या करे अफ्रीका को वरदान दे। आगे बात करते हैं, आगे क्या कह रहा है देखिए, अ फ्यू मोमेंट लेटर, कुछ ही क्षण के बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन ए वेज स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स, हेलीकॉप्टर एंड ट्रॉप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, मतलब कि हम सब कुछ ही क्षणों के बाद हम सबकी जो आंखें थी वे एक डर के साथ ऊपर को उठी, कहाँ कहाँ उठी, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर की तरफ देखने के लिए उठी, और वहाँ पे क्या सुनाई दे रहा था, रोर हो रहा था, गड़गड़ाहट की आवाज़, दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, किस चीज़ की, जेट की, हेलीकॉप्टर की और ट्रॉप कैरियर्स की, ट्रॉप कैरियर्स मतलब होता है लड़ाकू विमानों की। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, यह सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं था, एक पिन पॉइंट मतलब होता है तालमेल दिखाना, पिन पॉइंट मतलब क्या होता है, तालमेल दिखाना, या मतलब कि बेटर कॉम्बिनेशन या बेटर कम्युनिकेशन दिखाना, एंड मिलिट्री फोर्स मतलब कह रहे हैं कि मिलिट्री फोर्स अपनी ताकत नहीं दिखा रही थी, या बेटर कम्युनिकेशन, कि हम अच्छा कम्युनिकेशन करके गाड़ी या जहाज़ या हेलीकॉप्टर या लड़ाकू विमान उड़ा सकते हैं, ऐसा नहीं दिखाने की कोशिश कर रही थी, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, लेकिन वो क्या दिखाना चाहती थी, अपना फ़र्ज दिखाना चाहती थी, मतलब कि मिलिट्री की का जो वफादारी लॉयल्टी, मतलब अपनी वफादारी दिखानी चाहती थी टू डेमोक्रेसी, जो आज़ाद सरकार बनी हुई है, ये जो नई गवर्नमेंट बनी हुई है उसके प्रति अपनी लॉयल्टी दिखा रही थी, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो स्वतंत्र और सही से आज़ादी से चूज़ की गई थी। ओनली मूवमेंट बिफोर, कुछ ही क्षण बाद के बाद क्या हुआ, द हाइएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जो सबसे बड़े जनरल थे डिफेंस के, फोर्स एंड पुलिस, पुलिस के, देयर चेस्ट बिडिक्ड विथ रिबन्स, जिनके छाती पर कह सकते हो कि ढेर सारे क्या थे, रिबन्स लगे हुए थे और मेडल्स सजे हुए थे, फ्रॉम डेज गॉन बाय सैल्यूटेड मी, मतलब कि उन्होंने क्या किया, मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी दिखाई। I was not unmindful of the fact that not so many years before, मतलब कह रहा है कि मेरे दिमाग में वो बात अभी भी थी, क्या unmindful, मतलब कि मेरे दिमाग से वो बात अभी नहीं निकली है कि so many years before, not so many years, कई अभी बहुत साल नहीं बीते हैं, they would not have saluted but arrested me, कि इन लोगों ने क्या नहीं किया था, ये उन लोगों ने मुझे सल्यूट ना करके मुझे क्या कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था। Finally, a chevron of इम्प्लामा जेट, इम्पाला जेट कह रहे हैं, अंततः क्या हुआ, इम्पाला जेट विमान जो था उसका चेवरॉन, चेवरॉन मींस दैट इज अ पैटर्न होता है, चेवरॉन इज अ पैटर्न, वी पैटर्न, वी पैटर्न को चेवरॉन कहा जाता है, ठीक है, तो वी पैटर्न की बात कर रहे हैं, जेट लेफ्ट अ स्मोक ट्रोल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, मतलब कि क्या हुआ, जो इम्पाला जेट आया, इम्पाला जेट आया, इम्पाला जेट से क्या हुआ, उसने वी आकार में एक पैटर्न में काला, लाल, हरा, नीला और गोल्डन कलर, सुनहरा कलर का कलर छोड़े, धुएं छोड़े, ठीक है, जो क्या थे, दीज ऑल आर द कलर्स ऑफ द न्यू फ्लैग ऑफ द साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका के फ्लैग में जितने कलर यूज हुए थे उन सभी कलर्स को उसने छोड़ा।
द डे वॉज सिम्बोलाइज फॉर मी बाई द पेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। वे जो दिन था हमारे दो अलग अलग राष्ट्रगीतों के को गाया गया उस दिन, मेरे लिए यह एक प्रकार कह सकते हो कि एक सिम्बोलाइजेशन बन गया, एक प्रतीक बन गया था। क्यों? क्योंकि जो सफ़ेद लोग थे, यह आपको याद रखना है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द विजन्स ऑफ वाइट्स, जो वाइट लोग थे उन्होंने क्या गाया, नकोसी सिकेली आई अफ्रीका, ये जो गाना है, जो राष्ट्रगान है, उसका नाम आपको याद रखना है। और जो ब्लैक लोग थे उन्होंने डाई स्टेम नाम का एक क्या गाया, राष्ट्रगान गाया, ठीक है। लेकिन आगे कह रहे हैं द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो हम लोग का क्या था, पुराना राष्ट्रगान था आज़ादी से पहले का। ऑल दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स, कि सभी ग्रुप, क्योंकि सफ़ेद लोगों ने भी दोनों लोग का गाना गाया और काले लोगों ने भी दोनों लोग का गाना गाया, तो दोनों ही ग्रुप को उनके लिरिक्स नहीं पता थे, उनकी लय तो पता नहीं थी। लेकिन द एंथम दे वंस डिस्पाइड, मतलब कि जो राष्ट्रगान जो गाया जा रहा था उसमें वो लोग लय लगाने की कोशिश कर रहे थे। दे वुड सून नो द वर्ड बाई हर्ट, और जल्द ही क्या होगा, वे लोग इन शब्दों को दिल से याद कर लेंगे। ऐसा किसका मानना है? ऐसा नेल्सन मंडेला का मानना है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, मतलब कि उस उद्घाटन के दिन पे, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं भाव विमोर हो गया था, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, अपने इतिहास या पुरानी चीज़ों को याद करके, ध्यान करके। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, कह रहे हैं 20वीं शताब्दी के पहले डिकेड में, 20वीं शताब्दी का पहला डिकेड मतलब 900 to 910 की बात कर रहे हैं। इस डिकेड में अ फ्यू ईयर आफ्टर द बिटर एंग्लो वॉर, मतलब कि एंग्लो वोर वॉर के कुछ सालों बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे, ठीक है, मेरे जन्म के, सॉरी, एंग्लो वोर वॉर के पहले और मेरे जन्म के बाद, कह रहे हैं मेरे जन्म के बाद और एंग्लो वोर वॉर के, ठीक है, कह रहे हैं कि मतलब कि जो 20वीं शताब्दी का जो प्रारंभ था, जिसमें एंग्लो वोर वॉर के बाद और मेरे जन्म से थोड़ा सा पहले ही क्या हुआ, मेरे जन्म से जस्ट पहले, द वाइट स्किन पीपल, जो सफ़ेद स्किन के पीपल थे आउट साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लोग, पैच्ड अप देयर डिफरेंस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेसियल डोमिनिकेशन, उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम बनाया और जिसमें क्या कर दिया, भेदभाव कर दिया, किसका, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, चमड़ियों का, मतलब कि कह सकते हो कलर का डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, मतलब कि जो काले दिखते थे, काले कलर के या डार्क गहरे कलर के दिखने वाले लोग थे, उस स्किन के लोगों को, ऑफ देयर ओन लैंड, अपने ही जमीन पर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हैरेस्ट मोस्ट इनह्यूमन, जो मतलब कि उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, जो शेड्यूल बनाया वो कैसा था, वो एक हैरेसिस था, मतलब कि एकदम पीड़ित करने वाला, लोगों को कठोर, तो अमानवीय जैसा दिखने वाला, इनह्यूमन जैसा दिखने वाला, अमानवीय बर्ताव जैसा एक बहुत ही कठोर स्ट्रक्चर बनाया। सोसाइटी द वर्ल्ड एवर नोन, मतलब कि इस प्रकार का समाज कभी भी संसार में जाना हो। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century, और 20वीं शताब्दी के लास्ट डिकेड की बात कर रहे हैं, लास्ट डिकेड मतलब कि 1900 से लेकर के 2000 की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज जब 1994 में ये क्या कर रहे हैं, ओथ ले रहे हैं, 10th of May 1994, उस दिन की बात कर रहे हैं। माई ओन 8th decade इज अ मैन, और मेरा खुद का 8वां decade है, मतलब कि एबव 70 years ही वॉज, वो 70 साल से ऊपर हैं। द सिस्टम हैड बीन, कह रहे हैं जो सिस्टम है, सिस्टम आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, मतलब कि आज 20वीं शताब्दी के अंत में मेरा खुद का जो 70 से ऊपर का जो साल चल रहा है, उस टाइम की बात कर रहे हैं, उस समय में क्या है, ये जो सिस्टम है, हैड बीन ओवरटर्न्ड, ये पूर्णतः बदल गया है, फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड, मतलब कि पूर्ण रूप से बदल दिया गया है, बाई वन दैट रिकोगनाइज द राइट्स एंड फ्रीडम, और सबके लिए क्या हो गया, एक सामान्य अधिकार और आज़ादी हो गई है, ऑफ ऑल पीपल, हर लोगों के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द कलर, यहाँ पे कोई भी रंग भेदभाव नहीं है, ऑफ देयर स्किन, उनकी चमड़ियों का, सबके लिए क्या है, सबको एक ही रूप का, समान रूप का अधिकार और स्वतंत्रता मिली हुई है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल,
कह रहे हैं ये जो दिन आया है, यह जो दिन आया है वह कैसे आया है, अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, मतलब कि जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे सेक्रीफाइस के द्वारा आया है, और किसके, हजारों लोगों, मेरे जैसे हजारों लोगों के बलिदान के द्वारा आया है। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, मतलब कि ऐसे लोग जिनके द्वारा, जो उन्होंने पीड़ित सफ़र किया, मतलब कि सहन किया सारी चीज़ें, एंड करेज अपने साहस के साथ, कैन नेवर बी मतलब कि संघर्ष किया, उसे न काउंट किया जा सकता है और न रिपीट किया जा सकता है, न ही उसे गिना जा सकता है और न ही उसकी कीमत चुकाई जा सकती है। आई फेल्ट डैट डैट, मुझे उस दिन महसूस हुआ, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसे कि कई अन्य दिनों के बाद भी, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स, मैं भी क्या हूँ, उन जैसे ही अफ्रीका के पेट्रियोट, देशभक्त जैसा ही हूँ, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मैं उससे पहले जा चुके हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड, वे जो श्रेष्ठ और बड़ी जो लंबे लोगों की कतार थी वो ख़त्म हो गई है, एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और अब मेरे बाद मेरे साथ एक बार दोबारा प्रारंभ होगी। आई एम पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, मुझे दुख है कि मैं उनका क्या नहीं कर सकता हूँ, धन्यवाद नहीं दे सकता हूँ, एंड दैट दे वर नॉट बी एबल टू सी, और यहाँ तक कि वे हैं भी नहीं यहाँ पे, योग्य भी नहीं है कि वे देख सकें, व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट, कि उनके जो द्वारा किया गया जो बलिदान है उससे क्या प्राप्त हुआ, उसके फलस्वरूप क्या प्राप्त हुआ। द पॉलिसी ऑफ एपैथीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड पीपल, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ये जो पॉलिसी थी एपैथीड की, जो रंग भेदभाव की थी, उसने क्या कर दिया है, मेरे देश के लोगों में और मेरे देश में क्या कर दिया है, एक गहरा और कभी न भरने वाला घाव, वाउंड घाव क्या कर दिया है, जन्मा दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर, हम सबको क्या करना होगा, कई वर्ष बिताने होंगे, इन नो जनरेशन, सिर्फ कुछ पीढ़ियाँ ही नहीं, अनेकों पीढ़ियाँ, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, जो क्या होंगी, इस गहरे जख्म को भरने में सक्षम होंगी, मतलब कि कई वर्षों के बाद ही जा करके भरेंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन जो कई उस दशाब्दियों में चलते आए ऑपरेशन होंगे, अत्याचार होंगे, एंड ब्रूटेलिटी हैड अनदर, और जो निर्दयता होगी वो दूसरी चीज़ होगी, इंटेंट इसके अतिरिक्त इफेक्ट्स, एंड दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस द ऑलिवर थॉमस, मतलब कि वे जो उस समय ब्रूटेलिटीज होती थी जिनके कारण कौन जन्म लिए, ऑलिवर टॉम्स, वेल्टर वॉल्टर शिशुलस, चीफ लुथरस, ठीक है, यूसुफ डेडोस, बॉम फिशर, ठीक है, और रॉबर्ट सुबुक्वी ऑफ आवर टाइम, हमारे समय के जो ये लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसे लोग जो विभिन्न प्रकार के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या कह रहा है, कह रहा है मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि ऐसे जो लोग थे, ऑलिवर टॉम, वॉल्टर शिशु, चीफ लूथर, यूसुफ डेडो, बैम्बर फीचर और रॉबर्ट सुबुक, ये जो लोग थे, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज, ये एक अलग ही प्रकार की साहसी व्यक्ति थे, विजडम बुद्धिमत्ता के व्यक्ति थे, एंड जेनरोसिटी, और कह सकते हैं क्या है कि नेकी, या मतलब कि कह सकते हो कि ऐसे लोग थे जो एक विभिन्न प्रकार की वैधता वाले लोग थे जिनका जन्म हुआ यहाँ पे, लाइक देयर नेवर बी नोन अगेन, जिनको कभी फिर नहीं जाना जाएगा। पर हैप्स निश्चित ही, या शायद, इट रिक्वायर सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, इसके लिए उनको क्या ऊंचाई पाने के लिए, क्रिएट सच हाइट ऑफ करेक्टर, ऐसे को बनाने के लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्या करना पड़ा रहा होगा, अत्याचार सहना पड़ा रहा होगा, या कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ा रहा होगा। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, मेरा जो देश है वे क्या है, रिच है, मतलब समृद्ध है, किससे, मिनरल्स और जेम्स से, किससे समृद्ध है, मिनरल्स और जेम्स से, मतलब खनिज और रत्न मिलते हैं, हीरे मोतियाँ मिलते हैं, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो इसकी मिट्टी के नीचे मिलते हैं, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट, लेकिन मैं हमेशा ये जानता हूँ कि इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, जो इसकी सबसे बड़ी संपत्ति है वे क्या है, इसके खुद के लोग, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो सबसे शुद्ध हैं और सबसे सच्चे हैं, एक शुद्ध डायमंड जैसे, मतलब कि जो इसकी सबसे बड़ी दौलत है वह क्या है, सबसे सच्चे और अच्छे लोग, एक शुद्ध हीरे जैसे।
इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, ये मतलब कह रहे हैं कि ये जो संघर्ष है, जो कॉमरेड्स का स्ट्रगल, जो साथियों का संघर्ष रहा, मेरे इन्हीं साथियों का संघर्ष रहा, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, जहाँ से मैंने क्या सीखा, साहस का अर्थ सीखा, टाइम एंड अगेन, समय के साथ और बार बार, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स, मैंने देखा है औरतों और आदमियों को रिस्क करते हुए, मतलब कि रिस्क मतलब कुर्बानियाँ देते हुए, एंड गिव देयर लाइफ, अपने जीवन को त्यागते हुए हुए फॉर एन आइडिया, इस विचार के लिए, आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, मैंने देखा है ऐसे कई पुरुषों को जो हमले करते रहते हैं और यातनाओं को सहते रहते हैं, बिना झुके, बिना टूटे, शोइंग अ स्ट्रेंथ, अपनी क्षमता को दिखाते हैं, एंड री साइलेंस द डिफाइज द इमेजिनेशन, और री साइलेंस कर देते हैं, मतलब कह सकते हो कि सबको कल्पना से परे सिखा देते हैं निरर्थता, मतलब आई लर्न द करेज, मैंने भी वहाँ से साहस सीखा, वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने वहाँ पे क्या सीखा कि जो साहस है, बहुत ही कॉमन लाइन और इम्पॉर्टेंट लाइन बोल रहे हैं कि आई लर्न दैट, मैंने सीखा, करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ फॉर इट, कि जो साहस होता है वे डर नहीं होने से नहीं होता, जिसके अंदर डर नहीं है वो साहसी व्यक्ति नहीं है, बट करेज साहसी कौन है, बट द ट्रिम्फ फॉर इट, लेकिन साहसी वो व्यक्ति है जो क्या कर ले, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ले, किसके ऊपर विजय प्राप्त कर ले, डर के ऊपर, जो डर के ऊपर बच्चा विजय प्राप्त कर लेगा, जो व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेगा उसे करेज के ऊपर, उसे वो करेज, वो साहसी व्यक्ति है, साहसी व्यक्ति वो नहीं है जो डरता नहीं है, डर जो डर के ऊपर विजय प्राप्त कर ले वो साहसी व्यक्ति है, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, आगे वही चीज़ बोल रहे हैं, उसी से रिलेटेड बात बोल रहे हैं कि बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर दैट फियर, लेकिन वो बहादुर है जो अपने, जो उस डर से क्या करता है, लड़ता है, नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, कोई भी कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं पैदा होता बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, मतलब अपने चमड़ियों के भेदभाव या चमड़ी के रंग से, शरीर के रंग से एक दूसरे को घृणा करता हुआ पैदा नहीं होता है, और हिज़ बैकग्राउंड या उसका जो बैकग्राउंड है, और हिज़ रिलीजन या अपने जाति, मतलब कि उसकी जाति या धर्म या किसी भी प्रकार के भेदभाव को कोई भी बच्चा जन्म से नहीं जानता है, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, सीखते हैं लोग, कह रहे हैं लोग तो सीखते ही हैं कि हेट करना, घृणा करना, ठीक है, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वे घृणा करना सीखते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें हमें क्या सिखाना सिखा सकते हैं, हम उन्हें प्यार करना भी सिखा सकते हैं, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्यों, क्योंकि जो प्यार होता है वे ज़्यादा नेचुरली से आता है, ज़्यादा ही प्राकृतिक तौर पर आता है टू द ह्यूमन हर्ट, इंसानों के दिल में, देन इट्स अपोजिट, किसके विपरीत, इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, कह रहे हैं यहाँ तक कि जो मैंने अपना समय बिताया, कौन सा समय बिताया, वो समय जब मैं जेल में था, When my comrades and I were pushed to our limit, जहाँ पे मेरे साथियों और मुझे क्या कर दिया गया था, एक लिमिट, एक बाउंडेशन में बांध दिया गया था, I would see a glimmer of humanity in one of its guard, मैंने वहाँ पे भी उनमें से एक गार्ड में क्या देखी, एक इंसानियत की झलक देखी, Perhaps just for a second, निश्चित ही कुछ ही क्षणों के लिए देखी, लेकिन देखी, But it was enough, लेकिन वो पर्याप्त थी to reassure me, जो मुझे पुनः निश्चित कर देती थी या बाद बहादुरी देती थी, एंड कीप मी गोइंग, और कहती थी कि नहीं तुम आगे बढ़ो, तुम कर सकते हो, मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, जो इंसानों की अच्छाई होती है वे क्या होती है, एक मशाल होती है, दैट कैन बी हिटन बट नेवर एक्सटिंग्विश, जो छिप तो सकती है लेकिन कभी बुझ नहीं सकती, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, किसी के भी जीवन में हर इंसान के पास दो ऑब्लिगेशन होती है, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, किसी के भी जीवन में, हर किसी व्यक्ति के जीवन में दो ऑब्लिगेशंस होती हैं, दो कह रहा है, दो ऑब्लिगेशंस होती हैं, मतलब दो कर्तव्य होते हैं, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पहला उसका कर्तव्य क्या होता है, उसके परिवार के लिए, परिवार में उसके माता पिता, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, एंड द हिज ही हैज़ वन एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरा उसकी कर्तव्य होता है उसके लोगों के लिए, उसके समुदाय, उसके देश और अगल बगल के लोगों के लिए, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, कह रहा है इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और
एक सभ्य और मानवीय समाज में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन, हर व्यक्ति क्या होता है अपने इन कर्तव्यों को पालन करता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी, अपनी खुद की योग्यता और इंक्लिनेशन मतलब कह सकते हो आदत के अनुसार। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन हमारे जैसा देश जो साउथ अफ्रीका है, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन, यह लगभग असंभव था इसके लिए, उन लोगों के लिए ऑफ माई बर्थ जो हमारे जैसे कलर के लोग पैदा हुए हैं, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, दोनों ही कर्तव्य को पूरा कर सके। अपने परिवार का कर्तव्य तो पूरा कर सकते हैं लेकिन अपने देश के प्रति कुछ नहीं कर सकते थे। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बींग, मतलब कि ऐसे लोग जो कलर थे, रंगीन थे, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बींग, जो भी कोशिश करता था इंसान के रूप में रहने की, वॉज पनिश्ड एंड इन आइसोलेटेड, उसे क्या किया जाता था, सजा दी जाती थी। क्या किया जाता था, उसे सजा दी जाती थी और आइसोलेट कर दिया जाता था, मतलब कि अलग कर दिया जाता था समाज से। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहता था टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, वॉज इनविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे क्या किया जाता था, उसे उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था, उसके घर से अलग कर दिया जाता था, एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसे बाध्य कर दिया जाता था अपना जीवन अकेले जीने के लिए, एक अलग जीवन जीने के लिए। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिलीबियन, कह रहे हैं अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिलीबियन, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबिलियन का मतलब हुआ, कह रहे हैं सिक्रेसी एंड रिबिलियन, सिक्रेसी एंड रिबिलियन मतलब कह सकते हो कि विद्रोह करना और रहस्यमय जीवन, मतलब कि रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाश में ट्विलाइट करना जीवन जीने के लिए, मतलब कि रहस्य, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल, मतलब शुरुआत में मैं चूज टू प्लेस माई पीपल, मैं अपने लोगों के अबव अपने परिवार के ऊपर नहीं रख पाया, बट इट अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैं अपने लोगों की सेवा करने लगा, आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लाइजेशन एज अ सन, तो मैं क्या था, मैं बाध्य था, रुका हुआ था, क्या करने के लिए, अपनी ऑब्लाइजेशन, अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए, एक पुत्र के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में ही मैं बाध्यकारी नहीं था। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं मतलब कि आगे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है, आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं क्या कहना चाह रहा है कि मैं जन्म जब लिया तो मैं आज़ाद होने की भूख के साथ थोड़ी नहीं जन्म लिया था, आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आज़ाद पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से आज़ाद था, दैट आई कुड नो, जो मैं जान सकता था, फ्री टू रन इन द फील्ड, मैं आज़ाद था अपने खेतों में दौड़ने के लिए, नियर माई मदर हर्ट्स, जो मेरी माँ की झोपड़ी के पास था, फ्री टू स्विम, आज़ाद था तैरने के लिए, इन द क्लियर स्ट्रीम, स्वतंत्र या साफ कह सकते हो लहरों में, दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर जाती थी, फ्री टू रोस्ट मील्स, आज़ाद था क्या करने के लिए, मील्स मील्स मतलब खानों को पकाने के लिए, अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे मतलब खुले आसमान में, राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, धीरे धीरे चलते हुए बैलों के ऊपर बैठ करके भी आज़ादी से चल सकता था, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जैसे जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया, और कह रहा है एंड एबिडेड बाय द कस्टम ऑफ माय ट्राइब, और जैसे जैसे मैंने अपने कबीले या अपनी जाति के लोगों के रीति रिवाजों को माना, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तो वहाँ पे मुझे एक आदमी या भगवान के नियमों के द्वारा परेशानी नहीं थी। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, ये सिर्फ और सिर्फ तब हुआ जब मैंने यह जाना कि मेरा जो बचपन की आज़ादी थी वो सिर्फ और सिर्फ ये क्या थी, एक इल्यूजन थी, एक भ्रम थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब मैं एक युवा आदमी बना, ठीक है, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तब मुझे ऐसा पता चला कि जो मेरी आज़ादी है वे लगभग मुझसे ली जा चुकी है, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और तब मेरी जो भूख थी उसके लिए हुई। एट फर्स्ट शुरुआत में एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आज़ादी चाहता था, फॉर माई सेल्फ, अपने लोगों के लिए, द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, जो फ्रीडम चाहता था वो किस लिए चाहता था, ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि मैं रात में कहीं बाहर रुक सकूँ, रीड वॉट आई प्लीज टू गो एंड वेयर आई चूज, मैं जो चाहूँ वो पढ़ सकूँ जिससे मुझे प्रशंसा मिले, और जहाँ मैं चाहूँ वहाँ जा सकूँ,
लेटर एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग, और जब मैं एक युवा आदमी बना और जॉन्सबर्ग में गया, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप। तब मैंने वहाँ पे मुझे एक और दूसरी भूख आई। दूसरी भूख किस चीज़ की आई? ठीक है, ऑनर्ड फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। मैं खुद की अपनी पोटेंशियल अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब कि अपनी स्वतंत्रता के अनुसार, अपनी अंदर की शक्ति के अनुसार कार्य करना चाहता था, स्वयं की कमाई कमाना चाहता था, अर्निंग ऑफ माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, मैं शादी विवाह करना और एक परिवार रखने की इच्छा रखता था। द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और जो फ्रीडम होती, आज़ादी होती, वो किसी भी लॉ से, लॉफुल लाइफ से, कानून से बंधी हुई नहीं होनी चाहिए थी, आज़ाद हुई से एकदम आज़ाद होनी चाहिए थी। बट देन, लेकिन तब आई स्लोली शॉ, तब मैंने धीरे धीरे देखा कि नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि सिर्फ मैं ही आज़ाद नहीं था, बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, लेकिन मेरे भाई और बहन भी फ्री नहीं थे। आई शॉ दैट, मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, यह सिर्फ मेरी आज़ादी नहीं थी, दैट वॉज कर्टेल, जो मुझसे छीन ली गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन, लेकिन हर किसी की आज़ादी, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरे जैसे दिखते थे, उन सब की आज़ादी ले ली गई थी। देन इन वेन, आगे कह रहा है, दैट इज़ वेन आई ज्वाइन द नेशनल अफ्रीका, तब वो समय था, दैट इज़ वेन आई ज्वाइन द नेशनल अफ्रीका, तब मैंने नेशनल अफ्रीका कांग्रेस ज्वाइन की, एंड दैट इज़ वेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम, और तब जो मेरी खुद की आज़ादी का जो भूख थी, बिकम द ग्रेटेस्ट हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, वो जो भूख थी वो क्या हो गई, वो मेरे लोगों की भूख के रूप में बदल गई। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखिए, इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब वो मेरी इच्छा थी और फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आज़ादी के लिए, टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, कि वे अपने सम्मान और खुद के आत्मसम्मान के साथ रह सकें, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जो मेरे जैसा जैसा मैंने अपने अपने जीवन के बारे में सोचा था वैसा ही, दैट ट्रांसपोर्ट अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, जो क्या करेगा, एक भयभीत युवा आदमी को एक गंभीर व्यक्ति के रूप में बना देगा, दैट ड्रो अ लॉ एवेंडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जो क्या करेगा ड्रोव करेगा, बाहर निकालेगा एक लॉ अवेंडिंग अटॉर्नी। लॉ अवेंडिंग अटॉर्नी मतलब जो कानून के पालन करने के लिए बाध्य बना हुआ है, उसको अपराधी बना दिया गया है, जिस तरीके से उसे बाहर निकाल देगा। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, जो क्या करेगा, एक परिवार को प्यार करने वाले हस्बैंड को इनटू अ मैन, एक व्यक्ति के रूप में बदल देगा, विदाउट अ होम, बिना घर के। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और जो मतलब कि ये ऐसा कानून की बात कर रहे हैं, वे कानून जो बना हुआ है, वो कानून क्या करता है, एक परिवार में प्यार करने वाले प्रति को एक इंसान व्यक्ति ही बना देता है, उसको अपने परिवार से अलग कर देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो एक इंसान बन के रहना चाहता है, उसे मॉन्क बना देता है। मॉन्क बना देता है मतलब साधु संत बना देता है, पुजारी बना देता है, सन्यासी बना देता है। आई वॉज नो मोर वर्चुअस एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं भी ज़्यादा वर्चुअस नहीं था, मतलब कि मैं खुद अपना बलिदान देना, मैं अगले व्यक्तियों की तरह अच्छा ज़्यादा गुड़ी आत्म बलिदानी नहीं हूँ, कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा बलिदानी नहीं हूँ, बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, कि मैं लिमिटेड बांधी हुई और कम आज़ादी को नहीं इन्जॉय कर पा रहा था। आई वॉज अलाउड, मुझे सिर्फ और सिर्फ अलाउड था, वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मैंने जाना कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, तब मुझे समझ में आ रहा है, मुझे लगा कि जो आज़ादी है वो इनडिविजिबल होनी चाहिए, अविभाज्य होनी चाहिए, होती है, मतलब कि जिसे बांटा नहीं जा सकता। द चेन ऑफ ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, मतलब कि जो भी समानता के रूप में सबको मिलनी चाहिए, जो भी मतलब कि बेड़ी है वो मेरे ऊपर ही नहीं, हम सब लोगों के ऊपर बंधी हुई थी। आई न्यू द ऑपरेसर्स मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ट, मैं जानता था कि जो ऑपरेसर थे, मतलब कि जिनके द्वारा ये कानून बनाया गया है, जो लोग कर रहे हैं, उसी प्रकार आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार से वो पीड़ित हों। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम, ऐसा आदमी जो किसी दूसरे आदमी की आज़ादी को ले लेता है, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वो क्या होता है, उस जो पीछे जो सलाखों में बंद होता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, हेटर्ड, घृणा किया जाता है। ही इज़ अ लॉग बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, वो किस्से में बंधा होता है, बिहाइंड द बार, बेड़ियों के पीछे होता है, और प्रेजुडिस मतलब कि बिना प्रेजुडिस मतलब कह सकते हो कि बिना किसी उसकी बात को सुने या उसकी स्वतंत्रता को नहीं देते हुए भी उसकी आज़ादी को छीन लिया गया होता है। ठीक है,
आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूर्णतः आज़ाद तो नहीं था, आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दूसरे की आज़ादी को ले रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, जैसा कि मैं पूर्णतः आज़ाद नहीं था, व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आज़ादी मुझसे ली गई, द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। कह रहा है द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, मतलब ऑपरेस्ड मतलब कि जो गुलाम बनाने वाले लोग थे उनको और गुलाम के रूप में जो काम करने वाले लोग थे उनकी मानवता से वंचित होते थे, मतलब ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जो ऑपरेस्ड होते थे ऑपरेसर अलाइक ऑपरेसर के रूप में उनकी ह्यूमैनिटी को क्या कर लिया गया था, रॉब्ड कर लिया गया था, मतलब कि उनकी मानवता से उन्हें वंचित कर दिया गया था, मतलब कि उनके अंदर ह्यूमैनिटी जैसे व्यवहार ही नहीं रहने दिए गए थे। ये आपका सेकेंड चैप्टर बेटा खत्म हो गया, ठीक है, इसकी पोएम हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।